नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यू ब्लॉग के अंदर। दोस्तों आज का ब्लॉग स्पेशल होने वाला है। दोस्तों आज विजयदशमी का त्यौहार है, तो यहाँ पर रावण दहन की तैयारियाँ चल रही है, तो हम भी रावण दहन देखने के लिए जाएंगे। तो आप देख सकते हैं राम लक्ष्मण और सीता जी का जो भी रथ है वो यहाँ पर आया। उसके बाद में रावण दहन करने से पहले स्काई शॉट या फिर जो भी आतिशबाजी है वो शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी वीडियो आपको सबसे पहले। दोस्तों हम यदि रावण दहन का समय है तो यहाँ पर हम देखने के लिए जा रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे देर लगेगी। दोस्तों आपको पता ही है कि पिछले दो साल कोरोना टाइम के अंदर विजयदशमी नहीं मनाई थी, जैसे आपको बहुत सारी दूर। दोस्तों आपको पता है कि रावण दहन देखने के लिए कुछ आस पास के होंगे वो बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर ये हमारे गांव के अंदर एक तथा उसे इसके बाद में जो भी काम रखने की जो है यहाँ पर आएगा, जो कि देख सकते हैं आपको रख सकते हैं। पर लोग धीरे धीरे पाना करना चाहेंगे, काम कर रहे हैं। यहाँ पर जैसे लाइट वगैरह भी यहाँ पर पावर मेघना और पूर्ण का खेती पूछा हुआ यहाँ पर चलाया है। यहाँ पर सब लोग किया है। उसके बाद में रहा ड्राइंग करने से पहले क्योंकि आतिशबाजी हुआ आतिशबाजी की है, यहाँ पर देख सकते हैं काम अलग अलग तरह के इसका स्टॉक वो भी अनार है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखते हैं क्योंकि इसका स्टॉक है, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से स्टाइल शॉट यहाँ पर पूरी सुरक्षा के अंदर आतिशबाजी की जाएगी। दोस्तों आपको कौन सा स्काई शॉट सबसे अच्छा लगा आप हमें कमेंट पर जरूर बताएं। और दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करके तो यहाँ पर देख सकते हैं जो भी आतिशबाजी के टाइम में बहुत ज़्यादा प्रदूषण में वृद्धि होती है। लेकिन दो साल से अभी तक कुछ बनाया नहीं थे यहाँ पर प्रदूषण भी, लेकिन मैं उसके बाद में आपको बहुत सारे आपको देखने को मिले। दोस्तों यहाँ पर आपको और
से चल रही है क्योंकि अभी टाइम हो गया है, अभी भेजने के लिए है कुछ ही टाइम के बाद में आपको वहाँ टाइम देखने को मिलेगा। आपको देख सकते हैं आतिशबाजी से चल रही है, पहले मिले। बाय बाय दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में।